आप देख रहे हैं नेशन लाइव, हर पल आपके साथ। यूपी के पीलीभीत में एक बाप ने अपनी बेटी के साथ दुराचार करने का मामला सामने आया है। दरअसल पूरा मामला पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री को अपनी हवस का शिकार बनाया, जिसकी जानकारी पीड़ित किशोरी ने अपनी मां को दी। वही महिला अपने परिजनों के साथ कोतवाली पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर किशोरी से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान किशोरी ने बताया कि बीती रात उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती दुराचार किया और उसे जान से मारने की धमकी दी। आरोपी की पत्नी ने बताया कि उसका और उसके पति का विवाद हो गया था, जिसके बाद महिला अपने मायका खटीमा चली गई और दोनों का कोर्ट में केस चल रहा है। आरोपी पिता ने बच्चों को अपने पास ही रखा। वहीं 5 तारीख की रात में आरोपी पिता ने अपनी पुत्री के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और किशोरी ने मना किया तो उसे जान से मारने की धमकी दी। किशोरी ने घटना की जानकारी फोन पर अपनी माँ को दी, जिसके बाद पीड़िता की माँ अपने परिजनों के साथ पूरनपुर कोतवाली पहुंची और अपने पति के खिलाफ तहरीर दर्ज कराई। महिला की तहरीर पर मामला दर्ज कर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और थाना प्रभारी के निर्देश पर किशोरी के बयान भी दर्ज कर लिए गए। मामला क्या, हम एक दिन गए थे अपने भैया की बारात में दावत खाने, क्या नाम, बहुत अपने चले गए, बच्चे छोड़ गए, दो हमारे छोड़ गया था, दो इसके बाप ने रहे, लौंडिया भी बड़ी वाली, बड़ा लौंडा रहा पास में, तो बच्चे छोटे मेरे पास में रहे। तो आज ना मेरे ने फ़ोन करा दोपहर में 2 बजे, तो बोलिए नहीं बात बता मुझे बताओ, तो मैं बोली ऐसी बात है, रात में उठी 2 बजे, तो पापा ने मुझसे कही कि तू यहाँ सो रही है, यहाँ आ जा मेरे पास तहत में, और बोले लिहाफ ढाक ले अपने ऊपर, तो इसने लिहाफ ने कहा पापा मैं रोज में तुम्हें लौंडिया हूँ मैं, तुम मुझे अम्मी मम्मी ना समझे, तो अम्मी समझ के मुझे तुम बुला रहे अपने पास, तो नहीं कोई बात नहीं मुझे मालूम तुम्हें लौंडिया है, तो इसे बुला लिया अपने पास धीरे धीरे, जे हाथ पर फेंकते कि पापा रहने दो मैं लौंडिया मैं, तुम अम्मी ना समझो, मम्मी सब मालूम थी बुला लें तू आ जा, जहाँ छुड़वाती थी उसने हाथ छोड़ा नहीं, उसने उसको लिहाफ में घुसेल लिया, उसके पास डाल दिया लिहाफ। अपने पापा को रोटी वोटी खिलाई, रोटी वोटी खिला के फिर अपने पापा को सिलाया, रात के ना 2 बजे, तो क्या हम सो रहे थे घर में, हमें कह रहे पापा आ जाए, हमें दोनों बहन को अपने ऊपर भेज दिया था, तो क्या पापा आए वहाँ चिपट गए, हम समझे हमारा छोटा वाला भाई है, हमने शक्ल देखी एकदम हम डर गए, तो पापा ने हाथ सीना उन्हें पकड़ा, भाई से गंजी हक करी एकदम उठे, अब नहीं कहाँ जा रही चुप चुप, कहाँ जा रही कहाँ जा रही, तो हमने कहा हम घर पर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं हम अभी यार पेशाब करेंगे, पापा ने हाथ छोड़ा, हमने चाबी निकाली, जल्दी कमरा खुला तो अंदर ले गए। थाना पूरनपुर में सूचना प्राप्त हुई है कि एक पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार किया है। इस प्रकरण में आरोपी की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया है। पुलिस ने अभियोग पंजीकृत करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस द्वारा इस प्रकरण में बहुत ही सख्त कार्रवाई की।